हेलो एवरीवन, वेलकम 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 टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ईश्वर की कृपा से आप सब लोग अच्छे से होंगे और बहुत अच्छे से आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी और इस तरह से चल रही होगी कि आप इस बार 2024 में जो जरूर सक्सेसफुल हो, जरूर सफलता मिले, और अगर 2025 टारगेट है तो 2025 में। तो वेलकम ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग पढ़ेंगे राजपूत स्टेट्स के बारे में। तो राजपूत जो राज्य हैं, इनको हम दो फेज में पढ़ते हैं, ठीक है? तो हम लोग पहला फेज पढ़ेंगे जिसे राजपूत काल कहते हैं। राजपूत काल यानी पूर्व मध्य काल में जो गुर्जर प्रतिहारों के पतन के बाद, उनके डिक्लाइन के बाद, जो उनके खंडहर पे जो राज्य, जिन राज्यों का उद्भव हुआ, यानी गुर्जर प्रतिहारों के वो सामंत ही थे जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में अपने को स्वतंत्र घोषित कर लिया, उन वो ही राजपूत राज्य कहलाए, ठीक? तो हम आज उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे और सिर्फ हम इन राजपूत राज्यों के सिर्फ वो राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हम इनके जो इनके समय पर कल्चरल डेवलपमेंट हुआ, यानी स्थापत्य का बहुत विकास हुआ, आर्किटेक्चर का बहुत सुंदर सुंदर खूबसूरत, जो कि आज के डेट में भारतीय कला के प्रतिमान बन चुके हैं, उन मंदिरों का इन्होंने निर्माण करवाया। साहित्य को संरक्षण दिया इन्होंने, इसमें से बहुत सारे स्वयं खुद साहित्यकार थे और कुछ लोगों ने अपने अपने दरबार में बहुत ही अलग अलग भाषाई लेखकों को उन्होंने संरक्षण भी दिया, ठीक? तो हम इन सब के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। और आज जब आप लोग पढ़ेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को जरूर मिलेगा। अगर इस सेक्शन से क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों को यहाँ से क्वेश्चन जरूर मिलेगा। ऑडियो वीडियो सब ठीक है? मेरी तरफ से आप सब लोगों को बहुत सारा प्यार। ये YouTube का नया फीचर है और ये आप लोगों के लिए है, तो ये आप लोगों के लिए यूज होना ही चाहिए। तो जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए, सेशन को फटाफट शेयर कर दीजिए सभी लोगों का। आज अटेंडेंस लगना बहुत जरूरी है। कुछ लोग तो रेगुलर रहते हैं लेकिन बहुत सारे लोग गायब हो चुके हैं, त्योहार भी बीत चुका है। अब भाई क्या कर रहे हो आप लोग? त्योहार बीत चुका, बाहर आओ इस माहौल से और जल्दी से पढ़ाई में लग जाओ। हालांकि अभी बहुत सारे पूर्वांचल के लोग होंगे जो अपने अपने घर में छठ पूजा में बहुत व्यस्त होंगे, लेकिन उसी से आप लोगों को समय जरूर निकालना चाहिए। और अगर बहुत व्यस्तता है तो फिर तो कोई बात नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरू करने से पहले दिस इज ऑल अबाउट मी और अनअकैडमी पर अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो दिस इज माई कोड रिंकू लाइव। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये राजपूत थे कौन, ये राजपूत कौन थे। तो ये आपकी एनसीईआरटी में भी बताया गया है कि राजपूत यानी राजा का पुत्र। और ये राजा का पुत्र, इसका जो लिटरल मीनिंग निकलता है, जो शाब्दिक अर्थ निकलता है, वो राजा का पुत्र। ये राजा के जो पुत्र थे, इनका उद्भव कब होता है, ये कब आते हैं? तो ये आते हैं हर्षवर्धन के बाद, ठीक? ये हर्ष का जब पतन होता है, पुष्यभूति वंश का पतन होता है हर्ष की मृत्यु के बाद, तो हर्ष की मृत्यु के बाद इनको देखा गया। तो हर्ष के समय में भूमि अनुदान बहुत दिया गया, यानी वेतन के रूप में, दान के रूप में भूमि अनुदान बहुत दिया गया, लैंड ग्रांट। तो इन्हीं पर जो अलग अलग जितने भी इस तरह के हर्ष के सामंत थे, यानी अलग अलग क्षेत्र के जो रखवाले थे, एक तरह से जो शासक थे, उन्होंने अपने अपने को उस क्षेत्र में स्वतंत्र किया, ठीक? और ये कहलाए जो है राजा के पुत्र, क्योंकि ये जो एक पर्टिकुलर एरिया में जहां पर ये लोग शासन करते थे, पहले तो इनको ये दिया जाता था ये क्षेत्र शासन करने के लिए, जहां का इनको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना था, सेना रखनी थी, राजस्व वसूलना था, रेवेन्यू कलेक्ट करना था और उसका एक शेयर भेजना था राजा के पास, बाकी से अपनी उस सेना और अपना खर्चा निकालना था। लेकिन यही इन्होंने ही फिर अपने को ये इस क्षेत्र में राजा की तरह क्योंकि शासन करते थे, और कहीं ना कहीं इन लोगों का जो ओरिजिन था वो क्षत्रियों से था, शासक वर्ग से था, इसलिए ये लोग राजा का पुत्र कहलाए। बाकी चंद्रप्रदाई, पृथ्वीराज रासो के जो राइटर हैं चंद्रप्रदाई, उन्होंने अग्निकुल का सिद्धांत दिया। तो मैंने अभी आप लोगों से चर्चा किया था पिछले सेशन में अग्निकुल, तो अग्निकुल के सिद्धांत के अनुसार ये राजपूत अग्नि से,
यज्ञ हुआ था पृथ्वी की रक्षा करने के लिए, अव्यवस्था से पृथ्वी को बचाने के लिए, तो ये लोग अग्नि से उत्पन्न हुए, अग्नि से 14 कुल उत्पन्न हुए, ऐसा चंद्रवरदाई कहते हैं। लेकिन इसी को अगर साइंटिफिकली देखें तो ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि इसी तरह से ये क्योंकि ये शास्त्र ग्रंथ से संबंधित थे और बड़े केंद्रीय राजाओं के अधीन अपने अपने क्षेत्र में शासन कर रहे थे और धीरे धीरे इन्होंने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया। इस तरह हमने देखा कि पूर्व मध्य काल में राजपूत राज्य 8वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य हम राजपूत राज्यों को, 9वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य राजपूत राज्यों को हम देखते हैं। अब अगर हम लोग ये बात करें कि ये जो राजपूत पीरियड है इसको हम लोग दो फेज में पढ़ते हैं, तो पहला तो आज हम लोग पढ़ेंगे जिसको मैंने आपको बताया, इसको हम लोग कहते हैं प्री मेडिवल पीरियड। ठीक, प्री मेडिवल यानी पूर्व मध्य काल। तो ये पूर्व मध्य काल में हम लोग जो है इसको लगभग हम लोग क्या करेंगे तो 8वीं 9वीं से लेकर 12वीं शताब्दी तक। ठीक, दूसरी बार हम लोग क्या पढ़ेंगे, दूसरी बार इन लोगों का फिर से जो चर्चा आता है वो आता है आपका, मतलब हर बार ही आता है, सल्तनत पीरियड में भी जो है इन ये राजपूत राज्य थे, मुगल काल में भी ये राजपूत राज्य थे। तो हम सल्तनत काल के शासकों ने इन राजपूत राज्यों को कैसे जीता, जैसे आप लोगों ने अलाउद्दीन खिलजी का सुना होगा, जैसे चित्तौड़ पद्मावती वाली कहानी, तो जैसे उसने जो है अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर, चित्तौड़, मालवा, मारवाड़ी सब जीता, वैसे ही अकबर ने जीता। तो ये राजपूत राज्य कभी खत्म नहीं हुए। ठीक, बेसिकली इस काल में ही इनका उद्भव होता है, आप ये कह सकते हैं इसी काल में। तो हम दो तीन फेज में हम साथ साथ इतिहास के साथ साथ राजपूत शासकों का चलता रहता है। ब्रिटिश पीरियड में ये सारे के सारे जो है ये उनके अंडर में, उनकी ब्रिटिश सुजरेंटी को मान के उनके अंडर में रूल करते रहे और स्वतंत्रता के बाद इनका विलय कर दिया गया भारतीय संघ में। तो इस तरह से समझ लो कि इनकी वो चलती है आगे कहानी। वैसे मैं आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि मैं भी इसी क्लैन से बिलोंग करती हूँ, मैं भी राजपूत ही हूँ। तो अपने घर में कई तरह की कहानियां मैंने सुनी है इनके बारे में, मैं गहरवाल हूँ। ठीक, और चंदेलों से भी मेरा संबंध है क्योंकि मेरी शादी चंदेलों में हुई है। एनीवेज, तो जो है ये जो राजपूत हैं ये इनके कुछ अपने फीचर्स हैं, ये अपनी बहादुरी के लिए जाने जाते हैं, पराड जाई पर वचन न जाई, तो इस तरह के ही मतलब इन लोगों के क्या रहे कि बहुत सारे इनके सिद्धांत रहे, प्रिंसिपल रहे, उसी प्रिंसिपल पर ये चलते रहे। इनके लिए सिद्धांत, इनका वचन बहुत ही महत्वपूर्ण रहता रहा। युद्ध में ये लोग सिर कटाने के निर्णय के साथ उतरते थे कि या तो युद्ध को जीतेंगे या मर जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे। और इनकी बहादुर रानियां जौहर कर लिया करती थी जैसे युद्ध से पराजय की खबर आती थी। तो इसके लिए ये राजपूत जाने जाते हैं अपनी आन बान शान के लिए। कई कमजोरियां भी थी, कमजोरियां ये थी कि ज्यादातर समय ये आपसी झगड़े में व्यस्त रहते थे और जब भी कोई बाह्य शत्रु आता था तो शत्रु के खिलाफ कभी भी ये एकजुट नहीं हुए। और यही कारण रहा कि भारत पर सल्तनत की स्थापना हुई, यही कारण रहा कि भारत पर मुगल वंश की स्थापना हुई। अगर ये राजपूत राज्य एकजुट हो जाते, यूनाइट हो जाते बाहरी शत्रुओं के खिलाफ, उस समय जो विदेशी थे बाद में तो भारतीय हो गए थे, तो भारत पर शायद विदेशी शासन की स्थापना नहीं हो पाती, ये इनकी कमजोरी रही। तो इन्हीं राजपूत राज्यों में हम लोग एक एक करके सभी राज्यों के बारे में पढ़ेंगे और आप लोगों को आज की क्लास से बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेंगे कि किसने किस टेंपल को बनाया, कौन सा टेंपल कहां पर है, कौन सा राइटर किसके कोर्ट में रहता था, ये सारी बातें। ठीक, तो सेशन शेयर कर दिया आप लोगों ने, फटाफट सेशन को शेयर कर दीजिए, कहिए कि सब बाहर आए, बाहर आए, त्योहार की खुमारी से सब बाहर आए अब, क्योंकि कहेंगे कि आप जो है हमने तो बहुत मेहनत की, कुछ हुआ नहीं, हम तो बहुत मेहनत करते थे, दिन रात पढ़ते थे, ईमानदारी से हमने कोशिश की, नहीं ये ईमानदार कोशिश नहीं है। अगर आप त्योहार 4-4, 5-5 दिन मनाते हो और छुट्टी पर रहते हो तो दिस इज नॉट अ ऑनेस्ट लेबर, ऑनेस्ट प्रैक्टिस, ऑनेस्ट एफर्ट। ठीक, तो चलिए फिर देखिए यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों का, जैसे ग्वालियर और ऐहोल इंस्क्रिप्शन, तो ग्वालियर इंस्क्रिप्शन किससे जुड़ा हुआ है, तो जो है प्रतिहार रूलर, हम लोगों ने बात की थी। ठीक, तो नाग भट्ट फर्स्ट से ये जुड़ा हुआ है,
इसी तरह से ए होल इंस्क्रिप्शन जो कि पुलकेशिन सेकंड से जुड़ा है वो भी ये चर्चा करता है। इसी तरह नयन चंद्र सूरि का जो बुक है हमीर महाकाव्य, ठीक हमीर महाकाव्य भी राजपूतों के बारे में बताता है। पतंगुप्त का नौ शहंसांक चरित, ठीक ये इससे भी राजपूतों के बारे में बता सकता है। आप लोगों को ये भी पूछा जा सकता है कि नौ साहसांग चरित के राइटर कौन है, पद्मगुप्त, ये सब संस्कृत के हैं। ठीक हलायुक्त जो कि राइटर हैं उनकी राइटिंग है क्या, पिंगल सूत्रप्रति, इससे भी हम लोगों को ये सब सोर्सेज हैं। हेमचंद्र सूरि का कुमारपाल चरित और ज्योतिरेश्वर ठाकुर का वर्ण रत्नाकर और चंद्र बरदाई का पृथ्वीराज रासो। ठीक ये कुछ ऑथेंटिक सोर्सेज हैं जिनसे हमें ये सभी राजपूत राज्यों के बारे में पता चलता है। तो बात करते हैं सबसे पहले चंदेल डायनेस्टी के बारे में। यहां पर आप लोग देख पा रहे हैं मैप में कि चंदेलों का जो क्षेत्र रहा, ठीक ये पूरा महोबा होते हुए ये इन लोगों का उस समय का जो है ये पूर्वान जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश से सटा हुआ इन लोगों का मध्य प्रदेश में, ठीक है ये वाला जो छोटा हुआ पार्ट है यहाँ पर परमार आ गए थे। ये लोग गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे और इन्होंने इस छोटे से पार्ट में, ठीक है एक छोटे से पार्ट में इन्होंने अपने राज्य की स्थापना की, बाद में एक्सपेंशन भी किया और सबसे ज्यादा ये इतिहास में विख्यात है, फेमस है। किस लिए फेमस है भाई, किस लिए फेमस है ये लोग इतिहास में सबसे ज्यादा? सुनीता ठाकुर का जी मैम आता है और वही कमेंट रुक जाता है। जी मैम के साथ कमेंट रुक जाता है और किसी का कोई भी कमेंट मुझे दिखाई नहीं पड़ता। तो अब मुझे रोहन राज का दिखा कि टेंपल्स के लिए है ना, टेंपल्स के लिए यानी अपने मंदिर स्थापत्य के लिए जाने जाते हैं जो कि आप साइड में देख पा रहे हैं। और मंदिर ऐसे कि बाहर भीतर की दीवारों पर इतनी नकाशी इतनी कार्विंग देखी गई और उसपे इतनी मूर्तियां, मतलब मंदिर इनके मूर्ति कला के भी उदाहरण रहे, इनके जो मंदिर रहे वो मूर्ति कला के भी उदाहरण रहे समझ लो। तो चंदेल डायनेस्टी प्रतिहारों के सामंत थे, प्रतिहारों के पतन के साथ ही जब भी फाउंडर पूछा जाएगा तो आप बताएंगे फाउंडर कौन था, तो फाउंडर था ननुक थे फाउंडर इनके, ठीक। और इनका जो पीरियड 831 टू 845 831 से 845 ईस्वी यानी नवी शताब्दी में इस वंश की स्थापना होती है। अंतिम शासक इसके परमार्थी देव है जो परमल के नाम से जाने जाते हैं, परमल वहां पर आज भी मध्य प्रदेश में इनको परमल कहा जाता है। और इनके ही सैनिक थे आल्हाउदल, ठीक तो आल्हाउदल इनके ही सैनिक थे। और फिर इसमें वाक्पति हुए, वाक्पति का जय शक्ति आपसे पूछ लिए गए हैं 2021 के प्रीलिम्स में, आपसे जय शक्ति पूछ लिए गए हैं, ठीक वाक्पति जय शक्ति, फिर राहिल ठीक 900 AD। तो ननुक वाक्पति जय शक्ति की उम्मीद, जय शक्ति जब आपसे पूछे गए थे तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप लोगों से जय शक्ति भी पूछ लिए जाएंगे, क्योंकि इस वंश के महानतम शासकों में यशो वर्मन, धंग देव, गंड देव, ठीक धंग गंड और विद्याधर, ये सब कुछ महान शासक हैं। लेकिन जय शक्ति चंदेल जब पूछे गए तो मैंने तभी ये महसूस किया कि आपसे यूपीएससी कहीं से भी क्वेश्चन, मतलब अगर उस डायनेस्टी के किसी भी रूलर को उठा के रख सकती है, आपसे उम्मीद ये की जाती है कि आप जानिए, आप सब कुछ जानिए, आपसे ये उम्मीद की जाती है, ठीक है। तो ननुक भी आप बता रहे हैं, ननुक भी पूछा जाता है, तो ये जैसे पीसीएस वगैरह में तो मतलब ऐसा था ट्रेंड है ना, तो जय शक्ति पूछ लिए गए हैं आप लोगों से। हर्ष चंदेल हुए थे इस वंश का पहला नोन महानतम शासक, जैसे आप कहते हैं कि गुप्त शासकों में पहला नोन और महाराजा धीराज का टाइटल लेने वाले कौन थे, चंद्रगुप्त फर्स्ट, उसी तरह से इस वंश के थे यशो वर्मन जो लक्ष्मण के नाम से भी जाने जाते थे, इन्होंने लक्ष्मण टेम्पल बनाया। फिर धंगदेव पीरियड याद रखिएगा,
इन लोगों का जो है 10वीं शताब्दी है 950 से 1003 यानी 10वीं 11वीं शताब्दी। गंडदेव फिर विद्याधर भी इस वंश के महानतम शासक मोहम्मद गजनवी को इन्होंने पराजित किया था विद्याधर ने। और मोहम्मद गजनवी ने जब हमला किया था कहां पर, तो सिंध पर जब हमला किया था, तो सिंध पर जब मोहम्मद गजनवी ने हमला किया था तो उस समय हिंदू शाही वंश शासन कर रहा था वहां पर। तो इन्होंने एक अलायंस बनाकर राज्यपाल की मदद करने के लिए इन्होंने एक संघ बनाया था और भेजा था। मतलब इनको काफी कुछ दूरदर्शी थे, विजनरी थे, और इनको ये पता था कि वो एक विदेशी शासक है, उसको बॉर्डर पर ही रोकना जरूरी है। और आप लोगों को मैंने कल या परसों की क्लास में पढ़ाया प्रतिहार शासक, अंतिम शासक, राज्यपाल जिसको हरा कर, कई नाम रिपीट होते हैं, तो जिसको हरा कर दो बार हराया इसने महमूद गजनवी ने, तो उसने बिना लड़े सरेंडर कर दिया था, उसको इन्होंने मार डाला था। तो विद्याधर एक बहुत ही मतलब ये भी एक महानतम शासक इस वंश के, ठीक है। फिर विजयपाल, देववर्मन, कीर्तिवर्मन, सलक्षण वर्मन, तो ये जैसे परवर्ती गुप्ता आप लोग पढ़ते हो वैसे ये लोग हैं, जैसे परवर्ती चंदेल शासक हैं ये लोग, ठीक है। मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि ये लोग जो है बहुत फेमस रहे, लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि यूपीएससी आपसे जब जय शक्ति पूछ सकती है तो आपसे विजयपाल भी पूछ सकती है। तो आप देख रहे थोड़ा थोड़ा इन लोगों का 10-10, 15-15 साल का पीरियड रहा है। तो विजयपाल, देवपाल, कीर्ति वर्मन, सलक्षण वर्मन, ठीक। अब सवाल ये उठता है कि भाई कैसे याद होगा। तो बार बार जो है रिविजन ही एकमात्र आप लोगों के लिए सोल्यूशन है, ठीक। जय वर्मन, पृथ्वी वर्मन, ठीक, मदन वर्मन और यशो वर्मन और ये परमल जो कि परमादि देव के नाम से जाने जाते हैं, यशो वर्मन भी एक अच्छे शासक रहे, ठीक, लेकिन हालांकि इनका काफी शॉर्ट पीरियड रहा। और परमल इस वंश के अंतिम शासक, ठीक, परमादि देव। तो सबसे ज्यादा आप लोग इस पर ध्यान देंगे आप लोग, ठीक, शुरुआती शासकों पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक। तो पहले स्वतंत्र राजा यशो वर्मन, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये कालिंजर पहाड़ी पर इन्होंने विजय प्राप्त कर लिया था और कालिंजर को अपने राज्य में मिला लिया था यशो वर्मन ने। और इन्होंने ही, अभी मैं दिखाऊंगी आप लोगों को, इन्होंने जो है अपने राज्य में मंदिर निर्माण की एक परंपरा शुरू की थी। धंगदेव जो है इन्होंने ग्वालियर के किले को जीत लिया था। और विद्याधर, जैसा कि मैंने बताया कि महमूद गजनवी के आक्रमण से अपने राज्य की रक्षा की। और कन्नौज के प्रतिहार राजा को इसीलिए इन्होंने मारा था, किस लिए मारा था मैंने बता दिया कि तुमने गजनवी का सामना क्यों नहीं किया, शत्रु का तुमने सामना क्यों नहीं किया, शत्रु से बिना लड़े तुमने सरेंडर क्यों कर दिया, ठीक। शत्रु से बिना लड़े सरेंडर करना कायरता है, इसलिए विद्याधर ने मार डाला था। लेकिन ये सबसे ज्यादा फेमस किस लिए है, तो अपने टेंपल्स के लिए, जो खजुराहो के जो मंदिर है उनका निर्माण काल माना जाता है कि 950 से 1050 के बीच में हुआ, 100 सालों में, ठीक है। मतलब 100 सालों में जो है लगभग ये सारे जो है अलग अलग जो शासक आए, खास तौर पर यशो वर्मन की बात तो शुरू ही होता है, यशो वर्मन, धंगदेव, गंडदेव, विद्याधर, इन लोगों ने इन मंदिरों का देखो निर्माण कराया, ठीक है। किसका नाम अच्छा लगता है भाई विराज, किसका नाम अच्छा लगता है आपको, एक सेकंड दीजिएगा। ठीक, तो खजुराहो के मंदिर मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ, फिर भी आप आगे आगे बताइए और मैं लिखूंगी क्या क्या विशेषताएं हैं इसमें, आप लोग मुझे बताइए कि खजुराहो के मंदिर के फीचर्स क्या रहे, खजुराहो के मंदिर की क्या विशेषताएं रही। सबसे पहले बताइए कि मटेरियल क्या था, मतलब कैसे, किससे बना, ये मिट्टी पत्थर में किस पत्थर से बना। और दूसरा आप बताइए कि इसकी शैली,
शैली यानी स्टाइल क्या रहा, स्टाइल क्या रहा, जल्दी से बताइए। तो गलत, लाल बलुआ पत्थर से नहीं बना है, सिर्फ बलुआ पत्थर, ठीक, सिर्फ बलुआ पत्थर से बना है। यही आप लोग छोटे छोटे जो है वो मिस्टेक्स करेंगे आप लोग। सैंड स्टोन से बना हुआ है, लाल रंग के दिखते हैं आपको खजुराहो के टेम्पल्स, आप लोगों को खजुराहो के टेम्पल्स लाल रंग से दिखते हैं कभी कभी, देखा आप लोगों को दिखता है ना एकदम पत्थर वाला कलर, ठीक है। लाल बलुआ पत्थर से अकबर ने बनाया, लाल देखो, लाल किला लाल नजर आता है, आगरा का किला लाल नजर आता है, फतेहपुर सिकरी की बिल्डिंग्स लाल नजर आते हैं, लाल बलुआ पत्थर। इन्होंने किससे किया, तो बलुआ पत्थर से, ठीक, सैंड स्टोन से। और शैली रही नागर, नागर शैली की ही उप शैली थी। और अगर हम लोग बात करें इनके मंदिरों की, ठीक, अगर हम लोग इनके मंदिरों की बात करें तो इनके मंदिरों की क्या, इनके आर्किटेक्चरल स्टाइल क्या रहा, देखो ये जो मंदिर है लक्ष्मण टेम्पल है, यशोवर्मन लोकल लक्ष्मण के नाम से जाने गए, ठीक, और इन्होंने जो है लक्ष्मण देव, उनको लोग प्यार से लक्ष्मण देव कहकर पुकारते थे। मैं खजुराहो जब विजिट पर गई तभी मुझे, मैं हमेशा मन में सोचती थी कि लक्ष्मण ये इस टेम्पल के अंदर जो है, इसके इस टेम्पल के जब आप भीतर जाएंगे तो यहाँ पर जो है ये विष्णु भगवान का मंदिर है, और लेकिन इसको लक्ष्मण मंदिर कहते थे, तो मैं, मुझे समझ नहीं आता था कि इसे लक्ष्मण मंदिर क्यों कहते हैं। जब मैं खजुराहो विजिट पर गई हूँ तब मुझे पता चला कि ये जो है, जो यशोवर्मन है उनको लक्ष्मण देव के नाम से लोग जाना करते थे, उनके नाम पर इस टेम्पल का नाम लक्ष्मण टेम्पल है, ठीक है। तो यहां पर मैंने आपसे पूछा कि ये देखो, ये आप देख रहे हो, दो तो आपको आगे दिख रहा है, दो पीछे हैं, तो मतलब कि ये मंदिर किस शैली में बना है, तो ये मंदिर पंचायतन, ठीक, पंचायतन शैली का मंदिर है। दो दिख रहा है ना, दो कोने पर दो आगे दिख रहा है आपको, ऐसे दो पीछे भी एक का छोटा सा पार्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे, और सेंट्रल में एक मंदिर है, ठीक। और ये जो मंदिर है यहाँ पर, इसमें मंडप है, यहाँ पर आप देख रहे हो ये पहला मंडप है, ठीक, फिर इसके बाद ये दूसरा मंडप है, दूसरा मंडप, और फिर इसके पीछे एक और छोटा सा मतलब मंडप है, और फिर जो है ये क्या है आपका, गर्भगृह है। तो यहां पर जो ये गर्भगृह है, गर्भगृह के ऊपर ही शिखर होता है, तो गर्भगृह के, और ये जो मंडप है ये पहला मंडप है और ये दूसरा मंडप है, इन इन दोनों मंडपों को हम क्या कहेंगे, जैसे ये अर्ध मंडप हुआ, ये कौन सा हुआ, अर्ध मंडप हुआ, और ये जो दूसरा आप जो देख रहे हैं ये मुख्य मंडप है। और मुख्य मंडप और गर्भगृह के बीच में जो एक गैप आता है, उस गैप को हम लोग कहते हैं अंतराल, जो भीतर जाओगे तो दिखेगा। और आपको दिख रहा है शिखर में शिखर, ये देखिए, एक ये शिखर है, एक ये शिखर है, फिर एक ये शिखर है, तो इन्होंने जो है शिखर जो बनाए, तो इनके शिखर को हम लोग कहते हैं उरुश्रृंग, ये श्र है, उरुश्रृंग शिखर कहते हैं, ठीक, उरुश्रृंग यानी शिखर में शिखर। इन लोगों ने एक तरह से शिखर को कौन सा लुक दिया था, तो जैसे माउंटेन रेंज होता है वो दिया था। तो ये इनके मंदिरों के फीचर्स रहे, ठीक, एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर पंचायतन शैली में बनाना, अर्ध मंडप, मुख्य मंडप और गर्भगृह, ठीक, गर्भगृह के अंदर इनके देवता का मूर्ति, और जिसको की, और इन्होंने ये मंदिर देखो संधारा स्टाइल में बना हुआ है, ये जो मंदिर है ये संधारा, संधारा यानी जिस मंदिर के चारों तरफ परिक्रमा, ठीक, परिक्रमा प्रदक्षिणा पथ, परिक्रमा जिसके अंदर बना हुआ है उसको संधारा कहते हैं। तो ये संधारा स्टाइल का बना मंदिर। तो आपसे पूछा जाएगा कि खजुराहो के छतरपुर जिले में, ये पश्चिमी समूह के मंदिर है, तो खजुराहो के छतरपुर जिले में, दिल्ली में भी छतरपुर है, कंफ्यूज मत होना, तो खजुराहो के छतरपुर जिले में लक्ष्मण मंदिर को किसने बनाया, हु बिल्ट लक्ष्मण टेम्पल ऑफ खजुराहो छतरपुर, तो आप क्या कहेंगे, यशोवर्मन।
और कभी एक नाम लक्ष्मण देव आ जाता है तो लक्ष्मण देव को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, ये जो है लक्ष्मण यशोवर्धन के बाद हमने देखा कि एक फेमस रूलर हुए धंग, जिनको धंग देव भी कहते हैं। तो ये जो है विश्वनाथ टेम्पल है, विश्वनाथ टेम्पल, ये पश्चिमी समूह के मंदिर में जब आप एंटर करेंगे तो 64 योगिनी टेम्पल एक पड़ता है, और फिर आप इस तरफ जो है दाहिने होकर अंदर की तरफ जाएंगे तो वहां पूरा का पूरा मंदिर समूह है। तो वहीं पर लक्ष्मण मंदिर के ठीक अपोजिट में आपको मिलेगा विश्वनाथ टेम्पल। तो ये जो है 10th-11th सेंचुरी में धंगदेव का पीरियड आपने देखा, तो धंगदेव ने इसको बनवाया। और यहाँ पर भी देखिए, यहाँ तीन मंडप आपको नजर आ रहे हैं क्योंकि साइड पिक है, तो यहाँ तीन मंदिर। अब इन दोनों को हम क्या कहेंगे, अर्ध मंडप, सेमी। ठीक, इन तीनों को हम लोग क्या कहेंगे, सेमी मंडप कहेंगे। ठीक, अर्ध मंडप, और ये जो हो जाएगा आपका मुख्य मंडप। और मंडप किस लिए होता था, तो भक्तों के इकट्ठे होने के लिए, कि गर्भगृह में जाने से पहले, क्योंकि गर्भगृह छोटा होता है तो क्यू सी लगती थी, और यहाँ पर कुछ कार्यक्रम भी हुआ करता था, यहाँ पर लोग जैसे गाना बजाना, भजन वजन, ये सब। तो विश्वनाथ किसको कहते हैं आपको पता ही है, किसको कहते हैं विश्वनाथ, विश्वनाथ किसे कहते हैं, हम किस ईश्वर को हम विश्वनाथ कहते हैं, किस भगवान को विश्वनाथ कहते हैं, किसको? अच्छा, इसमें भी आप लोगों को जो है पंचायतन, मतलब चारों कोनों पर छोटे छोटे मंदिर हैं, ये भी पंचायतन शैली में ही बना हुआ है। तो आप लोग कहेंगे कि अरे मैम आपने तो एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन पूछ दिया, लेकिन आंसर तो कोई दे नहीं रहा है। तो बाबा विश्वनाथ यानी शिव। ठीक, तो ये जो है विश्वनाथ टेम्पल है, विश्व के जो नाथ हैं शिव, भोले भंडारी, तो विश्वनाथ टेम्पल है ये। तो याद रखिएगा कि किसने बनाया, तो धंग ने। ठीक, आपको ये याद रखना है कि इसको धंग ने बनाया। ये पार्श्वनाथ टेम्पल है, ये पूर्वी समूह का मंदिर है। ठीक है, ये पूर्वी समूह का मंदिर है, इसे इसको भी धंग ने बनाया, ये भी धंग ने बनाया इसको भी। आप ये जो देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर पुराना है, और देख रहे हैं कि ऊपर बड़ा सा आमलक, ये इसको आमलक कहते हैं, आमलक के ऊपर आप देख रहे हैं कलश, जो कि सारे मंदिरों में दिख रहा है आपको, शिखर में शिखर, और एक मंडप है, इसमें एक अर्ध मंडप है, एक मुख्य मंडप है। और इसकी इस मंदिर की दीवारों पर भी, इस मंदिर की दीवारों पर भी वैसी ही मूर्ति कला का उदाहरण मिलेगा आपको, स्कल्पचर्स मिलेंगे, और कुछ इरोटिक पोजेस जो कि जिसके लिए ये जाने जाते हैं, इनके मेन फीचर में एक वो भी है। खैर उसको यूपीएससी नहीं पूछता है आपसे, लेकिन मतलब ये है कि ये है जो है, ये जैन टेम्पल पार्श्वनाथ की मूर्ति है टेम्पल के भीतर, लेकिन बाहर जो है इन्होंने अपने ही तरीके से बनाया, जैसे बाकी हिंदू टेम्पल से इन्होंने बनाया। ये जो है शैव और वैष्णव धर्म को मानते थे, लेकिन उन्होंने जैन धर्म को भी संरक्षण दिया, और सारे धर्मों के प्रति सेक्युलर थे। ये जो इस तरफ वाले जो देख रहे हो, ये जो है यहाँ पर दिगंबर संप्रदाय के लोग अभी भी यहाँ पर रहते हैं, और ये उनका बनाया हुआ स्ट्रक्चर है। आज के समय में जब आप इस मंदिर में जाओगे तो ये बैक साइड में हो गया है और फ्रंट में ये है। तो ये दिगंबर संप्रदाय के लोग यहाँ पर रहते हैं, ये केंद्र है उनका, और इन्होंने इसको बिल्कुल नहीं छेड़ा है, और आगे की तरफ अपना स्ट्रक्चर उन्होंने बना लिया है। तो इस मंदिर के गर्भगृह में आप देख पा रहे हैं, इस ये मंदिर का गर्भगृह है, और इसमें ये पार्श्वनाथ की मूर्ति लगाई गई है। ठीक है, तो ये पार्श्वनाथ टेम्पल बिल्ट बाय धंग ने इसको बनाया है। ठीक, तो हमेशा पीरियड याद रखिएगा आप लोग, ये धंग 10th सेंचुरी में इन्होंने इसको बनाया था, क्योंकि वो 10th-11th सेंचुरी में थे ना आपको। और ये जो है कंदरिया महादेव टेम्पल, वहां पे लाइट एंड साउंड शो होता है रात को खजुराहो में, और वहां सबसे ज्यादा जो विशाल जो मंदिर है, और आपको पता ही है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है, ये पूरा समूह ही शामिल है, लेकिन उसमें सबसे जो है फेमस जो टेम्पल है ये कंदरिया महादेव।
कंदरिया महादेव, जैसे ये कंदरिया महादेव क्यों कहे जाते हैं, ये जो आप देख रहे हो ना, इसके अंदर से रोशनी जाती है मंदिर के भीतर। ये भी खजुराहो के टेम्पल्स की एक फीचर है, विशेषता है कि नेचुरल सारे के सारे पूर्वाभिमुखी है, ईस्टर्न वॉच पूर्व की तरफ इनका जो है मुख है, और सूर्योदय से सूर्यास्त तक इन मंदिरों में रोशनी आती है। ठीक इस तरह से इसमें झरोखे निकाले गए हैं, पर इस मंदिर का जो निर्माण किया गया है वो एक गुफा की तरह किया गया है। जैसे कंदरा, कंदरा होता है ना, कंदरा कहा जाता है ना कि शिव किस में रहते थे, तो शिव गुफा में, कंदरा में रहते थे, हिमालय की कंदराओं में, पर्वतों में जो कंदराएं होती हैं, जो गुफाएं होती हैं, तो उसी तरह से इसका निर्माण किया गया। तो वहां के मंदिरों में सबसे विशाल मंदिर उरुशृंग शिखर और कई मंडप, सेमी मंडप 1-2, मुख्य मंडप और ये शिखर। ठीक ये भी ऊंचे प्लेटफॉर्म पर बना हुआ है। ये जो पिक देख रहे हो ये प्लेटफॉर्म के ऊपर वाला है। अगर इसको वैसे थोड़ा सा दूर से देखोगे तो ये मंदिर देखो ऐसे दिखता है। रात में जब लाइट एंड साउंड शो शुरू होता है तो वो यहीं से स्टार्ट होता है। हालांकि ये लक्ष्मण टेम्पल को भी दिखाते हैं पर ज्यादा उनका फोकस इसी टेम्पल पे रहता है। तो ये वहां की लाइटिंग है। और जो आप लोगों ने सुना है ना खजुराहो नृत्य महोत्सव होता है, खजुराहो नृत्य महोत्सव इसी के साइड में, ये जगदम्बिका टेम्पल है, इसके ठीक बगल में जगदम्बिका टेम्पल है और इसी भी यहीं पर होता है खजुराहो महोत्सव। तो ये जो है इन लोगों का कुतुबुद्दीन ऐबक ने परमादी देव को 1203 में, कुतुबुद्दीन ऐबक को जैसे बख्तियार खलजी को पूर्व जीतने के लिए भेजा था, वैसे कुतुबुद्दीन ऐबक को गौरी ने पश्चिम जीतने के लिए भेजा। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने पूरा जो है मालवा वाला रीजन, गुजरात, ये सब कुतुबुद्दीन ऐबक ने जीत लिया था। तो 1203 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने परमादिदेव को पराजित करके कालिंजर पर अधिकार किया। और 1305 में जब अलाउद्दीन खिलजी इस तरफ आता है तो वो जो है इसको पूरी तरह से जीतकर दिल्ली के सल्तनत में, दिल्ली साम्राज्य में मिला लेता है और इस तरह से ये डायनेस्टी खत्म हो जाती है। ठीक अब बात करते हैं हम लोग चौहान। काफी कुछ आप लोग जानते हैं, ये पृथ्वीराज चौहान की पिक है, अपने बहादुरी के लिए, अपने शौर्य के लिए ये जाने जाते हैं। पृथ्वीराज चौहान, इनको गौरी ने अगर डिफीट किया तराई वॉर, सेकेंड तराई वॉर में, तो वो इसलिए नहीं कि गौरी इनसे ज्यादा बहादुर था, बल्कि इसलिए कि इनकी तरफ से थोड़ी सी लापरवाही हो गई थी, नहीं तो गौरी इनसे जीत नहीं पाता। तो राय पिथौरा, राय पिथौरा के नाम से जाने जाने वाले ये पृथ्वीराज चौहान, ये इनके पहले भी इस वंश में कुछ प्रमुख शासक हुए। ठीक तो इनका सातवीं शताब्दी में शाकंभरी में इस वंश की स्थापना हुई। ठीक जैसे चंदेलों की स्थापना जेजाक भुक्ति में हुई, जेजाक भुक्ति से वो विस्तार करते करते खजुराहो तक आए थे वो लोग, तो जेजाक भुक्ति के चंदेल कहे जाते हैं, उसी तरह ये शाकंभरी के चौहान कहे जाते हैं। तो शाकंभरी अजमेर के पास एक जगह था, वहीं पर वासुदेव जो इनका, इनके जो आदि पुरुष रहे वो कौन रहे, तो इनके आदि पुरुष रहे वासुदेव। तो वासुदेव ने इस वंश की स्थापना की। ठीक इस वंश में जो है, मतलब इसके प्रारंभिक इतिहास के बारे में, इनके वंशावली के बारे में हमें कैसे पता चलता है, तो विग्रहराज सेकंड, विग्रहराज द्वितीय का जो है हर्ष, जो कि एक जगह है जयपुर राजस्थान में, ठीक तो हर्ष और बिजौलिया ये दो अभिलेखों से पता चलता है इनके बारे में। ठीक ये सोमेश्वर के समय बिजौलिया लिखा गया था और विग्रहराज सेकंड के समय हर्ष अभिलेख लिखा गया था। तो आप लोग याद रखिएगा कि हर्ष और बिजौलिया अभिलेख किससे जुड़ा हुआ है, तो हर्ष और बिजौलिया इंस्क्रिप्शन चौहानों से जुड़ा हुआ है। ठीक तो विग्रहराज द्वितीय 956 ईस्वी के आसपास हुए थे, तो एक मतलब पहले प्रमुख शासक। और फिर आते हैं अजयराज। ठीक अजयराज, ये अजयराज वही है जिन्होंने अजमेर शहर को बसाया। ठीक अजमेर शहर इन्हीं के नाम पर है, अजयराज के नाम पर ही 1113 ईस्वी के लगभग इनका शासन था। ठीक फिर अर्णोराज, 1133 से 53 इनका पीरियड है।
फिर बिगरा राज चतुर्थ जो कि इतिहास में बिसल देव के नाम से ज्यादा फेमस है। तो पृथ्वीराज चौहान के पहले अगर किसी शासक की बात करें तो वो है बिसल देव। अजय राज के बाद अगर आप लोग बिगरा राज फर्स्ट, अजय राज और बिसल देव, इनका नाम आप लोग याद रखेंगे जो कि बिगरा राज चतुर्थ भी थे। तो इनका पीरियड 1153 से 1163 और इन्होंने जो है ये हरिकेली नाम का एक नाटक भी लिखा था, एक बहुत ही प्रमुख, इन्होंने ही दिल्ली को जीता था तोमरों से और दिल्ली तक चौहान वंश का विस्तार किया था, ठीक। और इनके बाद एक जो प्रमुख शासक हुए वो पृथ्वीराज थर्ड 1178 से 1192। तो बिसल देव के बारे में जैसा कि मैंने बताया कि बिगरा राज चतुर्थ जो कि बिसल देव के नाम से जाने जाते हैं, इन्होंने ही दिल्ली को जीता, ठीक। तो अगर आपसे पूछा जाए कि दिल्ली को कब चौहानों के पास कब दिल्ली आई या दिल्ली को कब जीता गया, तो आप कहेंगे कि ये जो है ये 12वीं शताब्दी में बिसल देव के समय में ये हुआ, ठीक। ये खुद एक अच्छे राइटर थे, नाटककार हरिकेली, तो ये भी याद रखिएगा आप लोग, हरिकेली नाम का एक नाटक इन्होंने लिखा था। और ये इनका काल जो है गोल्डन एज माना जाता है, चौहान डायनेस्टी का गोल्डन एज माना जाता है इनका काल, ठीक है। तो ये एकदम इनके बारे में बिल्कुल याद रखिएगा। और फिर आते हैं अपने पृथ्वीराज चौहान। ये पृथ्वीराज थर्ड थे, इनके पहले दो लोग आ चुके थे इनके वंश में, पृथ्वीराज प्रथम, पृथ्वीराज द्वितीय, ये पृथ्वीराज तृतीय है। लेकिन ये पृथ्वीराज चौहान के नाम से, पृथ्वीराज चौहान के नाम से फेमस हैं, हीरो हैं ये। अभी अभी एक फिल्म भी आई थी, शायद उसमें अक्षय कुमार है, एक फिल्म शायद आई थी पृथ्वीराज पर, मुझे, मैंने देखी नहीं, मैंने सुनी थी। तो पृथ्वीराज चौहान के बारे में तो आप लोग जानते हैं, सोमेश्वर के पुत्र थे, ठीक। कथाओं में इनको राय पिथौरा कहा गया है और ये बुंदेलखंड मतलब चंदेलों का जो है पूरा वो एरिया उनके पास था, महोबा से लेकर ये पूरा वहां खजुराहो तक। तो ये जो है परमादी देव पर हमला किया था इन्होंने 1182 में, इसी हमले में आल्हा और उदल लड़े थे परमादी देव की तरफ से, हालांकि पराजित हुए थे। तो मैंने आपको बताया कि राजपूतों की कमजोरी आज भी है। आपको पता है कि राजपूतों में जो एक बहुत ही बड़ी जो कमी है वो ये है कि एक राजपूत दूसरे राजपूत को बढ़ता हुआ नहीं देख पाता है, ठीक। और एक कमी है बदला लेने वाली टेंडेंसी। हम लोगों में कहा जाता है कि राजपूत जो है 12 साल बाद भी अपना बदला लेता है, लेकिन बदला जरूर पूरा करता है। तो मतलब ये बेसिकली जो है ये इनमें जो एक ये सबसे बड़ी कमी रही। और खैर इस समय राष्ट्र नाम की कोई चीज थी नहीं, तो सारे ही अपने राज्य का विस्तार करना चाहते थे। शुरू से ही हमने देखा कि हर कोई राज्य विस्तार करना चाहता है। तो इन्होंने, पृथ्वीराज चौहान ने सोचा कि राज्य विस्तार किया जाए। तो उस सिलसिले में इनकी लड़ाई गहरवालों से भी हुई, चंदेलों से भी हुई उनकी। तो ये जो है 1182 में एक रात्रि अभियान में, एक नाइट कैंपेन में इन्होंने डिफीट किया था, मतलब एक सडन वो स्ट्रेटेजिकल एक हमला था। गुजरात के चालुक्य शासकों पर भी इन्होंने हमला किया था, क्योंकि इनको गुजरात तक अपना विस्तार करना था। पूरा पंजाब वाला क्षेत्र इन्होंने जीत लिया था, पूरा पंजाब तक का क्षेत्र भी पृथ्वीराज चौहान के पास ही था, ठीक है। तो 1186 में गुजरात के चालुक्य शासक भीम सेकंड पर इन्होंने हमला किया। और इसी में आप लोगों ने, ये तो फैक्ट सबको पता होता है, शायद यूपीएससी पूछेगी नहीं कि 1191 में मोहम्मद गोरी हमला करता है और तराई जो कि हरियाणा में जगह है वहां पर ये उसका सामना करते हैं और उसको डिफीट करते हैं। ये मोहम्मद गोरी जो कि पहली बार प्रयास कर चुका था गुजरात की तरफ से भारत में प्रवेश करने का 1178 में, 1178 में उसने सोचा कि मैं गुजरात की तरफ से भारत में घुस जाता हूं, लेकिन उसमें वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो फिर वो जो है 1191 में वापस उसी रास्ते से आए जिस रास्ते से महमूद गजनवी आया था। और ये आंतरिक पॉलिटिक्स में, आंतरिक राजनीति में जो है ये बेस्ट थे।
और ये पहुंच गया हरियाणा तक, तो फिर हरियाणा के तराई के मैदान में ये सामना किया था इन्होंने उसका, और डिफीट भी किया था और पंजाब के उन सभी राज्यों को वापस जीत लिया था जिसको गौरी ने कब्जा किया था। लेकिन फिर वापस ये फिर से आंतरिक राजनीति में झगड़े में व्यस्त हो गए और इन्होंने सीमा की सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया और गौरी पूरे एक साल तक तैयारी करता रहा इस युद्ध की, इसीलिए गौरी जीता और 1192 की तराई के वॉर में जो है ये पराजित हुए। ठीक, इनके राज कवि थे चंद्रबरदाई, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो की अगर आपको भाषा पूछी जाए तो आप कहेंगे कि अपभ्रंश। ठीक, ये अपभ्रंश भाषा में, ठीक है, पृथ्वीराज रासो ने इसको जो है अपभ्रंश लैंग्वेज में इसको लिखा है। ठीक, अपभ्रंश किसको कहते हैं, तो ये मिक्स्ड लैंग्वेज होता है। ठीक, और जयानक इन्हीं के उसमें जयानक भी थे, जयानक का नाम भी याद रखिएगा। जयानक ने जो है एक संस्कृत में लिखा है एक काव्य जिसको हम कहते हैं पृथ्वीराज विजय। तो पृथ्वीराज रासो और पृथ्वीराज विजय, ये दोनों ही आप लोग याद रखेंगे। आप लोगों को बोरिंग लग रहा है भाई? आप लोगों को बोरिंग लग रहा है क्या? मतलब काफी सारे लोग आए थे और काफी लोग जो है गायब हो गए। आपको ऐसा लगता है कि यहां से क्वेश्चन नहीं आएगा? आपको ऐसा लगता है या आपको ये लगता है कि ये गैर जरूरी टॉपिक है और मैम इतना जो है जान दिए जा रही हैं, ऐसा लगता है क्या आप लोगों को? पीडीएफ अटैच है, ठीक है, पीडीएफ अटैच है। इससे पहले वाली क्लास आपको हिस्ट्री का प्लेलिस्ट बना हुआ है मेरा, ठीक, उस हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और पीडीएफ अटैच्ड है। डेली मैं पीडीएफ अटैच करवा देती हूँ, जैसे कल मैं बोलना भूल गई तो आप लोग डाउनलोड कर लेना, आज भी जो है डाउनलोड कर लेना आप लोग, ठीक है। तो जयानक का नाम याद रखना, पृथ्वी चंद्रबरदाई तो बहुत फेमस है, जयानक पूछा जा सकता है आपसे। तो जयानक ने क्या लिखा, तो संस्कृत भाषा में क्या लिखा है, तो पृथ्वीराज विजय संस्कृत काव्य है ये। ठीक, काव्य यानी जो पोएटिक फॉर्म में होता है। ठीक, तो जयानक का नाम याद रखेंगे आप लोग। ठीक, इन अन्य रचनाओं में जयसिंध का है हमीर महाकाव्य जो चौहान वंश के इतिहास और परंपरा के बारे में बताता है। ठीक, तो हमीर महाकाव्य। अब बात करते हैं हम लोग परमार वंश की, परमार डायनेस्टी, जिनकी फोटो देख रहे हो ये है राजा भोज। कहां राजा भोज, कहां गंगुतेली। ठीक, तो ये राजा भोज है जिन्होंने भोजपुर शहर बसाया, जिन्होंने भोजसर तालाब बनाया और जो कि एक डेक्कन के रूलर्स जिन्होंने मिल करके हमला किया था इनके राज्य पर, इनकी राजधानी धारा नगरी को लूट लिया था, अपनी राजधानी को बचाते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। और एक बहुत बड़े साहित्यकार, स्थापत्यकार, कला प्रेमी, मतलब जो है आप कह सकते मल्टी टैलेंटेड, सर्वगुण संपन्न ये राजा थे। तो ऐसे बहुत सारे लोग, जब भी मैं ऐसे पर्सनालिटीज के बारे में पढ़ती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि एक व्यक्ति इतने सारे काम कर सकता है, इतने सारे उसके अंदर गुण हो सकते हैं, तो हमारे भीतर क्यों नहीं हो सकते, हमें भी जरूर प्रयास करना चाहिए। तो परमार वंश के इतिहास को जानने के जो स्रोत है, सीए द्वितीय का जो है सील अभिलेख है, वाक्पति मुंज का उज्जैन अभिलेख है। वाक्पति मुंज जिन पर तैलक द्वितीय ने 6 बार हमला किया था और हर बार वाक्पति मुंज ने पराजित किया था, तो वाक्पति मुंज का भी नाम याद रखिएगा। एक वाक्पति चंदेल शासक था तो वो सिर्फ वाक्पति नाम है और ये थे वाक्पति मुंज। भोज का बांसवाड़ा अभिलेख, पदम गुप्त का जो बुक है नवसाहंग चरित और मेरुतुंग का प्रबंध चिंता मणि। ठीक, तो मेरुतुंग जो कि ये एक जैन राइटिंग है, तो इनका प्रबंध चिंता मणि आप लोग याद रखिएगा। ठीक, शासनकाल इन लोगों का रहा 800 से 1327 तक, 800 के आसपास इस वंश की स्थापना होती है, 1327 तक ये लोग रूल करते हैं। ठीक, प्रारंभिक राजधानी उज्जैन में ही धारा नगरी इनकी राजधानी थी। ठीक,
तो इस वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था? तो सीयक। एक्चुअली इसका नाम था श्रीहर्ष, लेकिन ये सीयक के नाम से फेमस था। ये कहते हैं कि ये लोग राष्ट्रकूटों के सामंत थे। राष्ट्रकूटों का झगड़ा हुआ था ना प्रतिहारों के साथ मालवा वाले रीजन पर कब्जे को लेकर, तो ऐसा लगता है कि ये लोग जो है प्रतिहारों के कमजोर होते हुए मालवा वाला जो रीजन है उन्होंने अपने अधिकार में कर लिया था राष्ट्रकूटों ने, और वहीं पर इनको अपना सामंत बना दिया था। सामंत तो अब क्लियर है आप लोगों को, जब से मैं पूर्व मध्यकाल पढ़ा रही हूँ मैं आपको बार बार सामंत का डेफिनेशन देती हूँ, सामंत के बारे में बताती हूँ। सामंत यानी उस क्षेत्र का इनका सरदार, इनका अधिकारी, इनका मंत्री, इनका शासक। ठीक, तो श्रीहर्ष ने जो है राष्ट्रकूटों की अधीनता से अपने को स्वतंत्र कर दिया और परमार वंश एक तरह से स्वतंत्र शासक की तरह जो है स्वतंत्र शासन की स्थापना हो गई। इस वंश के सबसे फेमस जो रूलर है ये भोज परमार। ठीक, इन पर आप लोगों का क्वेश्चन आ चुका है, कहीं कहीं 1000 से इनका पीरियड दिखाता है पर सबसे ज्यादा ऑथेंटिक यही है 1000 से 1055। ठीक, 1010 से 1055 यही इनका जो है इनका वो है। तो इनका जो है ठीक, इन्होंने नौ साहसांक यहाँ पर रहेगा बिंदी, नौ साहसांक और नौ विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। इन्हीं पर बुक है नौ साहसांक चरित, नौ साहस चरित जो बुक है वो इन्हीं पर। ठीक, तो इनके जीवन का अधिकांश क्षेत्र युद्ध क्षेत्र में ही बीता, अधिकांश जो भाग है जीवन का अधिकांश पार्ट जो है कहां बीता समय, तो युद्ध क्षेत्र में ही। ठीक है, तो गुजरात और चेदी की संयुक्त सेनाओं से के साथ युद्ध करते हुए, एक्चुअली जो गुजरात में अधिलवाड़ा के चालुक्य थे और वेंगी और तैलप जो कि कल्याणी का चालुक्य का जो रूलर था, इन लोगों ने अपना वो बना लिया था एक अलायंस। मैंने बताया ना कि 6 बार हमला किया था, कितनी बार? 6 बार। पराजित हुआ था हर बार तैलब, फिर उसने क्या बना कर लिया था, उसने एक संघ बना लिया था, एक संघ, और संघ बनाकर फिर जब हमला किया तो एक साथ जब बहुत बड़ी सेना रहेगी तो उसका सामना जाहिर है कि मुश्किल होगा, तो उसी में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। 1055 ही, और कुछ लोग 1060 1055 ही इनका सबसे ऑथेंटिक पीरियड है। ठीक, भोज की मृत्यु के बाद जो है निरंतर गिरावट आने लगी। आप लोग पीरियड करेक्ट कर लेना, पीडीएफ में एक जगह यहाँ पर टाइपो मिस्टेक था, उसके बाद इनका पराजय हो जाता है। ठीक, हालांकि बाद तक मतलब आप समझ लो कि आपने देखा कि 14वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक ये लोग शासन करते रहे, लेकिन तोमरों ने ही इनको पूरी तरह समाप्त किया था, लेकिन शक्तिशाली नहीं रहे और तोमरों ने इनको, दिल्ली के जो तोमर थे उन्होंने ही इनके क्षेत्र को भी जीत लिया था। अब क्वेश्चन कहां से आएगा, तो राजा भोज एक बहुत बड़े साहित्यकार भी थे, लेखक, राइटर, और इन्होंने कई सारी किताबें लिखी जिसमें आयुर्वेद पर जो इन्होंने किताब लिखी वो उस किताब का नाम था जो है आयुर्वेद और स्थापत्य पर भी लिखा था, आयुर्वेद पर भी था और स्थापत्य भी था पर भी था। ठीक है, तो आयुर्वेद पर सर्वस और स्थापत्य पर सम्रांगण सूत्रधार, ठीक, ये इन्होंने किताब लिखी थी सम्रांगण सूत्रधार, किस पर? स्थापत्य कला पर। इसके अलावा जो है इन्होंने सरस्वती कंठाभरण सिद्धांत संग्रह, योग सूत्र वृत्ति, ठीक, और राजमार्तंड विद्या विनोद, युक्ति कल्पत्रु, चारु चर्चा, आदित्य प्रताप सिद्धांत, पूरा किताब। आप कहोगे कि मैम याद कैसे करेंगे, इतना याद कैसे करेंगे, तो इसमें जो है सरस्वती कंठाभरण बहुत फेमस है। ठीक, इसी तरह से जो है इनका युक्ति कल्पत्रु, अब मैं इसलिए फेमस कह रही हूं कि मैंने ये क्वेश्चन देखा है, लेकिन जैसे देखो इस पर कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से, 3-4 बार इसको जो है रिवाइज करो, ऑप्शन देख के रिकॉल कर लोगे आप। जब ऑप्शन देखोगे तो अभी आपने क्या देखा, चाहमानों में, है ना, चाहमानों में आपने देखा कि बीसल देव ने हरि के लिए लिखा है,
फिर अभी चर्चा किन की आई आपको, तो अभी चर्चा आ गई है इनकी उत्तर भारतीय राजपूत शासकों की। अगर बात में करूं तो उत्तर भारतीय राजपूत शासकों में हरिकेली उन्होंने लिखा, इन्होंने तो एक नहीं बहुत सारी किताबें लिख डाली हैं, और फिर आप लोग पढ़ोगे गहरवाल शासक जयचंद ने लिखी है, ठीक, तो गहरवाल शासकों ने लिखी, तो इसलिए ऐसे करके रिलेट कर लोगे आप लोग। तो यहाँ पर जो है सरस्वती कंठा वर्णन सिद्धांत संग्रह योग सूत्र वृत्ति राजमार्तंड विद्या विनोद युक्ति कल्पतरु चारु चर्चा और आदित्य प्रताप, तो ऐसे करके जैसे कई बार आप लोग रिवाइज करेंगे तो ये याद हो जाएगा। धारा नगरी, ये तो आप लोग को याद रहेगा कि धारा नगरी बसाई, वहां पर एक सरस्वती बाग देवी की मूर्ति बनाई, भोजन तालाब बनवाया, एक महाविद्यालय उन्होंने बनाई थी वहां पर जो कि रेजिडेंशियल था, ठीक, भोजशाला, भोजशाला उसकी दीवारों पर आज भी संस्कृत में श्लोक लिखे हुए हैं, और यहाँ पर फ्री खाना सबको बांटा जाता था, ठीक, भोजपुर शहर, तो ये सब कॉमन फैक्ट है। आईने अकबरी में जो है उल्लेख मिलता है राजा भोज का, आईने अकबरी जो कि किसने लिखा, अबुल फजल ने, ठीक, अबुल फजल अपनी बुक में राजा भोज के शासन की उल्लेख करते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये भोजसर तालाब है, और यहीं पर जो है इन्होंने वो फेमस जो विद्यालय है वो भी बनाया है, वो भी आप लोगों को साइड में थोड़ा सा दिख रहा है, तो दिख रहा है आप लोगों को भोजसर तालाब। ये सर का मतलब होता है तालाब, भोज अपने नाम पर उन्होंने ये भोजसर बनवाया था, ठीक। परमार वंश के कुछ फेमस शासकों की बात कर लेते हैं, ठीक है, आप लोग समझ आ रहे हैं ना क्लास, आप लोगों को अभी तो रुक जाता है आप लोगों का बार बार, हाँ, तो हम लोग इस वंश के और कुछ रूलर्स का नाम पढ़ लेते हैं ताकि जैसे अगर वहां से क्वेश्चन आता है आप लोग तो उसको भी आप लोग कर सके, ठीक। तो सीएम के बारे में हमने पढ़ा, वाकपति मूंज यहाँ पर करना, ठीक, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि चंदेल या कौन, तो वाकपति मूंज, वाकपति मूंज, ठीक, और फिर सीएम द्वितीय वाकपति राज बैरी सिंह, ठीक, और सिंधुराज भोज प्रथम और जय सिंह प्रथम, उदयादित्य लक्ष्मण देव नरवर्मन, जय सिंह प्रथम तक आप लोगों के लिए जो है, हालांकि उदयादित्य का भी शासन काल आप देख रहे हैं 1060 से 1087 तक है, लेकिन भोज प्रथम के बाद के शासकों का इतना महत्व नहीं है, तो आप भोज प्रथम के पहले के शासकों पर ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि भोज के बाद ही वंश का पतन माना जाता है, तो इसलिए भोज के पहले वाले शासकों को याद रखें आप लोग, उसके बाद वाले नहीं, ठीक। बात करते हैं कलचूरी डायनेस्टी की, कलचूरी जो कि ये गोरखपुर में भी शासन कर रहे थे, और चेदियों का जो क्षेत्र था उस वहां पर भी शासन कर रहे थे, लेकिन मुख्य रूप से जो त्रिपुरी जबलपुर के पास वाले जो कलचूरी थे वही इतिहास में ज्यादा फेमस है, ठीक है। तो ये जो कलचूरी है ये राजपूत ही है, और कलचूरियों का जो आइए आप देख रहे हैं कि ये कलचूरियों का ये जो है आपको दिख रहा है पेन से, ये मैं जो दिखा रही हूं ये डार्क ब्राउनिश जो कलर है ये कलचूरियों का था, ठीक। तो गोरखपुर चेदियों वाला क्षेत्र, बुंदेलखंड वाला क्षेत्र, और ये त्रिपुरी जो क्षेत्र है जहां पर कांग्रेस का शासन हुआ था, त्रिपुरी संकट सुभाष चंद्र बोस वाला जबलपुर के पास जो है उस क्षेत्र में थे। तो हम लोग मुख्य रूप से इतिहास में बात होती है कलचूरी के, जब भी कलचूरी शासकों की बात करते हैं तो त्रिपुरी के कलचूरी शासकों की बात की जाती है। तो हम किन की बात करने जा रहे हैं, तो त्रिपुरी के कलचूरी शासकों की, ठीक है। तो ये कलचूरी या त्रिपुरी इसका जो संस्थापक था वो था कोकल्ला, ठीक, कोकल्ला फर्स्ट इस वंश का संस्थापक था, और जो है मतलब यहाँ पर इसने जो है कई मतलब इसमें हम लोग कहें, मैंने आपको पहले बता दिया कि गोरखपुर रत्नपुर राजपुर गुजरात तक इन लोगों ने वो अपना एक्सपेंशन किया था, कोंकण क्षेत्र को भी
इसने जीता था। और ये इसी में शंकर गण आए थे, शंकर गण थर्ड, ठीक, शंकर गण तृतीय। तो इन्होंने गुर्जर प्रतिहार राजा विजय पाल को पराजित किया था। ये गुर्जर प्रतिहारों के लगभग समकालीन थे, ठीक है। और फिर इसमें गंगे देव आए थे। इनका पीरियड 1015 से 1041 है। इन्होंने जेजाक भुक्ते के चंदेलों को पराजित किया, जिनके बारे में भी आपने पढ़ा, ठीक, जेजाक भुक्ति के चंदेलों को भी इन्होंने पराजित किया। और इसमें एक फेमस रूलर हुए लक्ष्मीकर्ण, ठीक, लक्ष्मीकर्ण का नाम याद रखेंगे आप लोग, लक्ष्मीकर्ण 1041 से 1073। भीम, गुजरात के जो सोलंकी शासक है भीम फर्स्ट, जिनके समय पर महमूद गजनवी ने हमला किया था, उनको जो है भीम प्रथम को हराया और परमार राजा भोज को भी हराया, परमार राजा भोज को भी, ठीक है। मैंने बताया कि प्रतिहारों के मतलब जो डिक्लाइनिंग जो बाद वाले जो थे छोटे छोटे उन लोगों को, बाकी जो है आप देख रहे राजपूत काल के ही है ये। तो राजा भोज को और भीम प्रथम को, ठीक, चंदेलों का एक बड़ा क्षेत्र इन्होंने जीत लिया था, यानी कलचुरियों का आप देख रहे हैं कि इनका विजय अभियान इन्होंने चलाया है। ये सारे आपस में लड़ते रहते थे सभी, भाई सबको क्षेत्र विस्तार करना है, सबको अपना राज्य बड़ा करना है, और जब भी राज्य बड़ा करोगे तो आप मेरा जीत कर ही तो करोगे, ठीक, जब भी आप जरूरत से ज्यादा चाहोगे तो किसी ने किसी का छीनोगे। तो यही था यहाँ पर। तो ये जो है इनकी भी विजय अभियान है। इनका नाम याद रखिएगा लक्ष्मीकर्ण का, ठीक, लक्ष्मीकर्ण कोकल गांगे देव लक्ष्मीकर्ण, इन लोग का नाम याद रखिएगा। ये लोग शैव धर्म को मानने वाले थे, पर ये लोग जैन धर्म का भी वो एक तरह से वो करते थे, सपोर्ट करते थे, ठीक। तो इन लोगों का अगर हम लोग बात करें तो लक्ष्मी, ये जो देखे ये जो टेम्पल है, ये इस टेम्पल को हम लोग कहते हैं, ये इस टेम्पल का नाम मैं भूल रही हूँ, ये जो शैव धर्म को मानने वाले थे तो शिव का ही होगा ये। तो ये इसको लक्ष्मीकर्ण ने बनाया था। ये कहां पर है, तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक के अनूपपुर जिले में है ये, मध्य प्रदेश के अमरकंटक के अनूपपुर जिले में है ये, ठीक। ये एक जो है इसको जो है मतलब कलचुरियों का टेम्पल है, कलचुरी टेम्पल कर दिए थे। देखिए काफी कुछ जो है इनका आर्किटेक्चुरल स्टाइल जो है ओडिशा शैली से मिलता जुलता है। देख रहे हो ना आप लोग शिखर किस तरह से गया है, एकदम स्ट्रेट जा करके ऐसे जाकर ऊपर एकदम उड़ गया है, मतलब आप देख रहे हैं कि ये जो है उनसे अलग है, जो चंदेलों से इनका अलग है ये। तो अमरकंटक का जो अनूपपुर जिला है वहां पर ये टेम्पल है, ये लक्ष्मीकर्ण ने बनाया है। और ये जो है ये 64 योगिनी टेम्पल है, 64 योगिनी टेम्पल। ये जबलपुर में जो भेड़ा घाट है, जबलपुर में आप जाएंगे तो वहां पर जो धुआंधार वॉटरफॉल है, धुआंधार वॉटरफॉल से थोड़ा सा आप आगे बढ़ते हैं तो वहां पर एक भेड़ा घाट है, मगर माना जाता है कि वहां बहुत सारे मगरमच्छ रहते हैं, वहां पर बोटिंग होती है, मैं भी करके आई थी। तो वहीं पर पास में जो है ये सीढ़ी चढ़ के जाना पड़ता है, काफी ऊंची सीढ़ी थी इसलिए हम लोग नहीं जा पाए थे। उसी दिन हमें खजुराहो भी जाना था। तो ये जो है टॉप व्यू है, वैसे आप लोग देखोगे तो ये टेम्पल ऐसे दिखता है। तो 64.5 योगिनी टेम्पल राउंड बनी, वृत्ताकार, ये भी देख पा रहे हैं कि वृत्ताकार है, ठीक। एक सेकेंड, मैं कहां पे आगे पीछे बढ़ रही हूं, आगे कहां बढ़ रही हूं भाई मैं, ये ओके, इस टेम्पल को दिखाना था। देखिए इसका टॉप व्यू कितना अच्छा। इसमें माना जाता है कि कुल 81 योगिनियां हैं, ये जो बॉक्स बना रहता है ना 1 2 3 4 ऐसे करके, तो इसमें कुल 81 योगिनियां हैं ऐसा माना जाता है, ठीक। तो 64 योगिनी टेम्पल बहुत सारे हैं मध्य प्रदेश में, जिसमें ये भेड़ा घाट वाला कलचुरियों ने बनवाया था, ठीक। 11वीं शताब्दी के शुरुआत में युवराज द्वितीय ने इस टेम्पल को बनाया था, ठीक। 64 योगिनी जो ये टेम्पल है किसने, तो युवराज द्वितीय ने,
ग्यारहवीं शताब्दी के, ग्यारहवीं शताब्दी की शुरुआत में, क्योंकि इस सेक्शन से क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं आप लोगों को, इसलिए मैंने इसको करवाया। अब बात करते हैं हम लोग गहरवाल डायनेस्टी की, तो ये जयचंद की पिक है। जयचंद को जो है लोग कहते हैं गद्दार, गद्दार, गद्दारों से देश की रक्षा करनी है, जयचंदों से देश की रक्षा करनी है। जयचंद कन्नौज में जयचंद का किला है, उस किला परिसर में जयचंद की स्टेचू गवर्नमेंट ने बनाई है, क्योंकि जयचंद ने राष्ट्र, राष्ट्र यानी अपने राज्य के प्रति गद्दारी नहीं की थी। जयचंद उस समय राष्ट्र नाम का कोई ऐसा संकल्पना नहीं था। फिर तो राणा सांगा ने भी साथ नहीं दिया था, किसका, इब्राहिम लोदी का। इसी तरह इन्होंने साथ नहीं दिया था पृथ्वीराज चौहान का, तो इसलिए इनको माना जाता है कि लोग कहते हैं कि गौरी को इन्होंने बुलाया। तो इसकी स्थापना चंद्रदेव ने की थी 1090 में, राजधानी इनकी थी वाराणसी। आज भी बनारस में किला है रामनगर, जाओगे तो रामनगर के राजा का किला है यहाँ पर। काशी नरेश के रूप में भी ये लोग जाने जाते हैं, इनको काशी नरेश कहा गया था, ठीक, क्यों, और बनारस इनकी पूर्वी सीमा के बिल्कुल नजदीक था। तो चंद्रदेव ने महाराजा धीराज का टाइटल लिया था, और ये चंद्रदेव जो है संस्थापक रहे। उसके बाद इस वंश में मदन चंद्र आए। मदन चंद्र याद रखेंगे सारे चंद्र, क्योंकि चंद्रदेव थे, कैसे मैंने आपको बताया, गोपाल, तो गोपाल के नाम पे सबने जो है पाल लगाया। इसी तरह क्योंकि इनका पहला नाम चंद्रदेव है तो सबने चंद्र लगाया। तो चंद्रदेव, मदन चंद्र, गोविंद चंद्र, विजय चंद्र और जय चंद्र। तो ये तो आसानी से आप लोग गेस कर लोगे, है ना, कि ये गहर वालों का है, बहुत आसान है ये, ठीक। तो यहाँ पर ये कुछ इसमें जो फेमस रूलर की अगर हम लोग बात करें तो संस्थापक तो ये है ही, गोविंद चंद्र और जय चंद्र, ये फेमस रूलर है, ठीक। बाकियों का अगर पूछा जाता है तो विजय चंद्र और मदन चंद्र का नाम भी याद रखिए, मदन चंद्र एंड विजय चंद्र। तो गोविंद चंद्र की अगर हम लोग बात करें तो ये इस वंश का पहला महानतम शासक, पहला पहला महानतम शासक इस वंश का था, ठीक, और इसी ने साम्राज्य विस्तार किया, एक बड़े साम्राज्य की स्थापना की, ठीक। उत्तर प्रदेश आगे मगध तक लेकर गया था पूर्व में, और हम लोग अगर इस तरफ नीचे की तरफ आए तो मालवा तक, बनारस से आगे बढ़ोगे तो इलाहाबाद, मिर्जापुर, इलाहाबाद को जीतते हुए मालवा रीजन तक, ये झांसी वगैरह वो पूरा क्षेत्र इन्होंने जीता, ठीक, मालवा तक इन्होंने बढ़ाया था। हालांकि वो कुछ समय के लिए था, राजधानी इन्होंने काशी नरेश कहे जाते हैं क्योंकि बनारस इनका वो था पहला वो, लेकिन बाद में इन्होंने कन्नौज, कन्नौज को ही अपनी राजधानी बनाई थी, कन्नौज पर ही एक तरह से उसको सेंटर बना के रूल करते रहे। कन्नौज से नजदीक क्योंकि दिल्ली था, दिल्ली तोमरों के पास था, दिल्ली को जयचंद भी जीतना चाहते थे, और दिल्ली क्योंकि पृथ्वीराज चौहान के पास थी इसलिए पृथ्वीराज चौहान से दिल्ली पर आधिपत्य को लेकर झगड़ा हुआ। तो गोविंद चंद्र के मंत्री थे लक्ष्मीधर, उन्होंने कल्पद्रुम नामक एक लॉ बुक, विधि ग्रंथ लिखा। तो इनका नाम याद रखिएगा, मैंने कहा ना कि आपको ज्यादा नहीं याद करना है। गुर्जर प्रतिहारों के दरबार में कौन कौन पोएट थे, उन्होंने क्या क्या लिखा, मैंने आपको पढ़ा दिया है। फिर मैंने आपको बताया कि जो यहाँ पे चहमानों में, फिर मैंने आपको बताया परमार शासक भोज, और अब हम लोग बात कर रहे हैं गहरवालों की, ठीक। तो इसमें जो है गोविंद चंद के मंत्री लक्ष्मीधर ने कल्पद्रुम लिखी थी, एक लॉ बुक था, विधि संहिता था, ठीक है। तो बाकी जो है ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है गोविंद चंद के बारे में। अब बात करते हैं जयचंद, जयचंद की, जिनका भी स्टेच्यू दिखाया मैंने, शैव धर्म को मानते थे ये जयचंद, ठीक। क्यों फेमस है इतिहास में, तो पृथ्वीराज चौहान से लड़ाई को लेकर, और क्योंकि तराई वॉर में इन्होंने सहयोग नहीं किया पृथ्वीराज चौहान को, इसलिए। पुष्कर में इन्होंने बराह मंदिर का निर्माण कराया था, या राजसूय यज्ञ भी किया था। तो पुष्कर में अभी भी ये वराह टेम्पल है, ये देखिए, ये मेन टेम्पल है बीच में,
आप देख पा रहे पत्थर का बनवाया है इन्होंने, थोड़ा सा शायद इसका पेंट वेंट बाद में कर दिया गया, रेनोवेशन कर दिया गया। इस मंदिर में इस तरह से एंटर करते हैं, इस यहाँ पर दिख रहा है ना आपको गुंबद, वो वाला ये देखिए ये गुंबद दिख रहा है, तो इस तरह से इसमें एंटर करते हैं। और जब आप एंटर करेंगे तो एंटर करने के बाद एक जो है पूरा आपको हॉल मिलेगा आंगन की तरह, वही परिवराह टेम्पल है। तो पुष्कर, पुष्कर राजस्थान के बराह टेम्पल का निर्माण, बराह मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो जयचंद ने कराया था, ठीक है। तो इसको भी याद रखेंगे आप लोग, क्योंकि अभी ये सब पूछे नहीं गए हैं। और जयचंद खुद भी एक लेखक थे, राइटिंग करते थे, तो इनकी किताब का नाम है रंभा मंजरी। रंभा मंजरी, रंभा मंजरी नाटिका है, ये प्ले है, ठीक। चंदेल राजा मदन बर्मन को उन्होंने पराजित किया था, वही बात उसी पर ये कहानी है, ठीक। और रंभा मंजरी नाटिका से ये भी पता चलता है कि गौरी को इन्होंने कई बार पराजित किया, एक बार नहीं कई बार। और आपको पता है गहर वालों ने महमूद गजनवी को भी पराजित किया था, महमूद गजनवी के आक्रमण को भी विफल किया था। ये गोविंद चंद के टाइम पर महमूद गजनवी के आक्रमण हुए थे, और गौरी को भी जयचंद ने कई बार पराजित किया था, लेकिन फिर चंदावर के युद्ध में वो पराजित हुए थे गौरी से, क्योंकि गौरी का जैसे बाबर का पानीपत युद्ध जीतने के बाद दूसरा लक्ष्य था राणा सांगा को हराना, उसी तरह तराई युद्ध के बाद गौरी का दूसरा सबसे मुख्य लक्ष्य था जयचंद को हराना, तो तराई वॉर में जयचंद को हराया था उसने। तो ये कुछ पूर्व मध्यकालीन राजपूत राज्य, राजपूत काल कहते हैं इस पीरियड को, ठीक है। इसमें कुछ जैसे हम लोग बात करेंगे अभी, अभी पूर्व बचा हुआ है आप लोगों का और दक्कन बचा हुआ है, तो हम लोग अभी पढ़ेंगे। मैंने वैसे चालुक्य पल्लव ऐसे पढ़ा दिया है, चोल बचा हुआ है आपका, गंग उड़ीसा के जो गंग शासक बचे हुए हैं तो उनको भी मैं आप लोगों को करा दूंगी। बेसिकली मंदिर वंदिर ही पूछे जाते हैं, तो नेक्स्ट जो है, अच्छा आज आज जो है 5 बजे मैं एक आर्ट एंड कल्चर में सेशन लेने वाली हूँ, करेंट अफेयर पर ये सेशन है, लेकिन उसमें पूरा का पूरा हिस्ट्री मैं आप लोगों को बताऊंगी, ताकि अगर वहां से कुछ क्वेश्चन आता है तो आप लोग उसको पकड़ सके। तो नेशनल म्यूजियम जो कि डेली जनपथ रोड पर है, नेशनल म्यूजियम आजकल चर्चा में है, उसी पर मैंने सेशन मुझे लेना है, मैंने रखा है आज शाम को 5 बजे, ठीक ठीक लगभग 50 मिनट बाद, 50 मिनट्स बाद, एक घंटे बाद। जाने से पहले बता दूं कि ये देखिए हमारा फाउंडेशन बैच है 2025 के लिए, प्रीलिम्स और मेंस का कंप्लीट कोर्स है ये। इसमें आपको पूरा स्टडी मटेरियल, बुक्स मिलेंगी, 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगा, और प्रीलिम्स और मेंस का टेस्ट सीरीज भी मिलेगा, ठीक। और सभी कोर्सेज में आपको अनलिमिटेड एक्सेस भी मिलेगा। और आपका नेक्स्ट जो कॉम्बैट है वो 26 नवंबर को होने वाला है, हिंदी अंग्रेजी दोनों में तैयारी करिए। हमारे ये कुछ ऑप्शनल बैचेस हैं जो जल्दी ही शुरू होने वाले हैं, PSIR, एंथ्रोपोलॉजी, मैथ्स, हिस्ट्री, एग्रीकल्चर की। तो किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपको एक साथ पे करने की जरूरत नहीं है, आप EMI बनवा सकते हैं। तो रिंकू लाइव मेरा कोड है, और EMI आपकी शुरू होती है 4,364 रुपए से। तो मिलते हैं 5 बजे, कहीं मत जाइएगा, रिवाइज करिए जब जो आज मैंने अभी पढ़ाया है, PDF डाउनलोड कीजिए, रिवाइज कीजिए, तब तक मेरे सेशन का टाइम हो जाएगा, ठीक। तो मिलते हैं 5 बजे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन, बाय बाय। आप लोगों को बहुत सारा प्यार।